नमस्कार, स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। मैं हूं दीपांशु भंडारी। मिडवीक सेशन में हम आ गए। हालांकि ये हफ्ता दो मिडवीक सेशन होंगे क्योंकि सैटरडे भी हमारे लिए वर्किंग होने वाला है, बट नंदलेस दो तीन दिनों से थोड़ी सुस्त आपके लिए ग्लोबल और डोमेस्टिक क्यूज आते हुए दिख रहे हैं। और उसी के बीच में हम देख रहे हैं कि आज हमारे कारोबार के भी शुरुआती संकेत हैं। तो कैसी रही है ग्लोबल मार्केट्स की चाल, क्या कुछ रहेगा हमारे बाजारों के लिए इंपॉर्टेंट, खबरों पर कहां पर रखनी है आपको नजर, और कुछ दमदार कमोडिटी और ब्रोकरेज कॉल्स भी लेकर हम आने वाले आधे घंटे में सारी डिटेल्स आपको देने वाले हैं। इस समय पहले एक बार ग्लोबल मार्केट्स पर नजर डाल देते हैं। मामूली बढ़त के साथ आपको गिफ्ट निफ्टी ट्रेड करते दिख रहा है, बट अच्छी बात है 22,250 के आसपास यहां पर इस समय कारोबार हो रहा है। जापान में आज हल्की नरमी मुनाफा वसूली आपको दिख रही है। बाकी एशिया मार्केट्स में भी कुछ ज्यादा खास एक्शन नहीं है। कोरिया के बाजार जरूर आपको 0.5% ऊपर दिखेंगे। कल 100 पॉइंट फिसलने के बाद आज सुबह डाउ फ्यूचर्स में आपको 30-35 अंकों की गिरावट दिखेगी। नैस्डैक फ्यूचर्स आज आपको एकदम फ्लैट दिख रहे हैं। S&P फ्यूचर्स में भी मामूली सी आपको गिरावट आती हुई दिखेगी। कच्चे तेल में ज्यादा बड़ा एक्शन आपको आते हुए इस समय नहीं दिख रहा है। तो आइए एक बार जरा कल शाम के अमेरिकी बाजार और बाकी ग्लोबल मार्केट के एक्शन को समझते हैं, और आज के लिए क्या कुछ इंपॉर्टेंट है सारी डिटेल्स लेते हैं नुपुर के साथ। नुपुर बताइए, आई थिंक फिर से अमेरिकी बाजारों में भी सुस्त कारोबार था, बिल्कुल हमारी तरह वो भी ट्रेड कर रहे हैं, बताइए क्या कुछ हुआ कल? बिल्कुल हमारी तरह ही वहाँ पे भी ट्रेडिंग की देखने को उतार चढ़ाव देखने को मिला, लेकिन एक लिमिटेड दायरे में ही आप कह सकते हैं कि जो कल कारोबार वहाँ पे देखने को मिला। हालांकि थोड़ी कमजोरी डाउ में आपको दिखेगी, रिकॉर्ड तेजी के बाद थोड़ी कमजोरी यहाँ पे आती हुई नजर आई, लेकिन नैसडेक S&P 500 की बात करें तो हरे निशान में ही दोनों बंद होते हुए दिखे। एक रिकवरी देखने को मिली थी नैसडेक में, काफी सारे स्टॉक्स का रिएक्शन था नतीजों के चलते, और साथ ही साथ ब्रॉडर मार्केट की अगर आप बात करें तो वहां पे कोई भी दिक्कत नहीं है। रिसल 2000 की बात करें तो वहां पे 1% से ज्यादा की तेजी कल आते हुए नजर आई, चौथे दिन की तेजी वहां पे बरकरार है। तो ब्रॉडर मार्केट में कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे जो स्मॉल एंड मिड कैप इंडेक्स है वो लगातार तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ दिखा, 1% से ज्यादा की तेजी कल हमने वहां पे देखी, और बाकी के इंडेक्स में भी एक रिकवरी के साथ ही आपको क्लोजिंग नजर आएगी। हालांकि उतार चढ़ाव देखने को मिला, लिमिटेड रेंज में ही बाजार कारोबार करते हुए नजर आ रहे थे। काफी सारे मैक्रो नंबर्स आते हुए दिखे, नतीजों का भी रिएक्शन देखने को मिला। मैक्रो के से ही शुरुआत करें तो इकोनॉमिक डेटा के जितने भी नंबर आए वो अनुमान से कम आपको आते हुए दिखे। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा अनुमान से कम रहा, जो एक्सपेक्टेशन से 115 के पास डिक्लाइन होते हुए दिखेगा लेकिन 106 के पास आते हुए दिखा, तो ये एक इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट था जहां पे बाजार की नजर थी और इस पे रिएक्शन भी आते हुए नजर आया। ड्यूरेबल गुड्स के ऑर्डर का भी डेटा देखे तो वहां पे 6% की गिरावट आती हुई दिखी, हालांकि अनुमान से 5% की गिरावट का था। तो दूसरा मैक्रो के लिहाज से अगर आप डेटा देखें तो वो भी अनुमान से कम ही आते हुए नजर आया। और आज USA में क्वार्टर फोर का जो GDP का प्रिलिमिनरी असेसमेंट का नंबर है वो भी आपको आते हुए दिखेगा। काफ़ी सारे फेड ऑफिशियल्स जो लगातार बातचीत कर रहे हैं उनकी तरफ से यही क्लियर बयान आते हुए दिखा है कि जो रेट कट की बातचीत है उसमें कोई भी उन्हें जल्दी नहीं है, आराम से ही रेट कट आते हुए दिख सकता है। इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना ही उनका पहला लक्ष्य है, तो रेट कट की उन्हें कोई भी जल्दी नहीं है। जितने भी फेड ऑफिशियल्स ने पिछले कुछ दिनों में और आगे चल के जो बयान आते हुए दिखे उसमें यही क्लियर इंडिकेशन आते हुए दिखा, और इकोनॉमिक डेटा भी देखे तो वो भी अनुमान से कम ही आते हुए नजर आ रहा। Q4 के GDP नंबर पर आज रहेगी बाजार की नजर। 10 साल की बॉन्ड यील्ड की बात करें तो 4.3% के आसपास ही ट्रेड करती हुई आपको दिखेगी। डॉलर इंडेक्स में भी इतना कोई उतार चढ़ाव देखने को मिला नहीं, 103 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, लेकिन नतीजों का असर है, लास्ट लेग बचा है वहां पर भी नतीजों का। और आफ्टर मार्केट्स में eBay बियॉन्ड मीट के नतीजे आए हैं, काफी बेटर और बड़े मूव्स यहाँ पे आपको आफ्टर मार्केट्स में देखने को मिल रहे हैं। बंबल में आपको गिरावट दिखेगी क्योंकि यहाँ पे कमजोरी है नतीजों के लिहाज से। यूरोप में कल मिला जुला प्रदर्शन था, यूरोप में आज कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डेटा भी आते दिखेगा फरवरी के महीने का, तो यहाँ पे रहेगी नजर। क्रूड में थोड़ा हल्का फुल्का आपको रिबाउंड देखने मिल रहा है क्योंकि सप्लाई की कुछ दिक्कतें यहाँ पे देखने को मिली है, जिसकी वजह से क्रूड में हल्की बढ़त कल हमने देखी, $82.2 के पास पहुंचता हुआ दिखा है। मेटल्स में मिला जुला प्रदर्शन है, हालांकि दूसरी तरफ क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो यहाँ पे एक बड़ा मूव आते हुए नजर आया, 5-6% की तेजी आपको यहाँ पर देखने को मिली है। तो बड़ा कोई ऐसा ट्रिगर पॉइंट था नहीं, इकोनॉमिक डेटा जितने भी नंबर्स आए वो थोड़े अनुमान से कम आते हुए दिखे, नतीजों का रिएक्शन कल जूम का स्टॉक आफ्टर मार्केट में हमने सुबह बात भी की थी कि जूम होते हुए दिख रहा था क्योंकि नतीजे बाय बाय काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे और कल 7% ऊपर भी था स्टॉक। तो आज फिर से आफ्टर मार्केट्स के नतीजों का रिएक्शन अभी फिलहाल देखने को मिल रहा है, फेड ऑफिशियल्स के बयान यही इंडिकेट
इंडिकेट कर रहे हैं कि रेट कट की कोई भी जल्दी उन्हें नहीं है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाने पर ही उनका फोकस है, और जो आज Q4 GDP का नंबर आएगा पहला, उस पर भी रहेगी बाजार की नज़र। तो बहुत कुछ डेटा आने वाला है, आज GDP डेटा आएगा, इसके बाद कल इनका एक इम्पॉर्टेंट इन्फ्लेशन रिलेटेड डेटा भी आने वाला है, तो नज़र है हमारी सारे ग्लोबल मार्केट के एक्शन पर, वैसे नरमी ही आपको आती हुई दिख रही है। शुक्रिया अनुपुर ये डिटेल्स के लिए। आइए फिर समझते हैं अनिल जी के साथ कि आज आपको बाजार में क्या करना है, इंपॉर्टेंट लेवल्स और एक्शन कैसे बन सकता है। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह जी का करते हैं स्वागत। अनिल जी से बात करें उससे पहले एक बार जरा कल के एक्शन पर भी नजर डाल देते हैं। हमने देखा निफ्टी थ्रू द डे आपको बहुत ही सुस्त और नर्म दिखा, उसके बाद एंड में एक बढ़िया रिकवरी आते हुए देखी, 75 पॉइंट ऊपर आप बंद हुए। मोर इम्पोर्टेंटली 22200 के बेहद इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास आप बंद होते दिखे, डेज हाई पर क्लोजिंग आई है, और कल की मंथली एक्सपायरी से पहले हमने देखा है थोड़ा एक्शन फाइनली बाजार में लौटा है। बैंक निफ्टी वैसे आपको एकदम फ्लैट क्लोज दिखाएगा, बट निचले स्तरों से यहां पर भी आपको एक बढ़िया रिकवरी आती हुई दिखी और डेज हाई पर हम बैंक निफ्टी पर भी बंद होते हुए दिखे, तो थोड़ा रिकवरी वाला एक्शन जरूर आपको आते हुए दिखा था। इस रिकवरी के बाद क्या आज फायरवर्क्स के लिए बाजार तैयार है, एक्सपायरी से एक दिन पहले क्या होनी चाहिए बाजार में रणनीति? अनिल जी गुड मॉर्निंग सर, बताएं कल तो अच्छी रिकवरी हुई, डेज हाई पर हम बंद हुए, हालांकि थोड़ा फंड्स का डेटा उतना खास नहीं है स्पेशली FIs की तरफ से, पर बताएं सर आज क्या कुछ हो सकता है बाजार में? देखिए संकेत मिले जुले अमेरिकी बाजारों से, 100 पॉइंट नीचे बंद हुआ है, ऊपरी स्तरों से 100 पॉइंट घटाया, क्लोजिंग बेसिस से 100 पॉइंट ऊपरी स्तरों से 100 पॉइंट नीचे बंद हुआ है, और कल की क्लोजिंग से भी और 200 पॉइंट की जो छोटी सी रेंज रही है अमेरिकी बाजारों में उसमें ट्रेड हुआ है। नैसडेक में भी 100 पॉइंट की रेंज रही, उस रेंज में हर निशान में दिन की ऊंचाइयों पर बंद होता दिखा। इनफैक्ट S&P 500 भी डे हाई पर बंद होता हुआ दिखा, तो ऐसा कोई अमेरिकी बाजारों का प्रदर्शन खराब नहीं है, मजबूत नहीं है लेकिन खराब भी नहीं है। रहा साल हमारे बाजारों का, तो हमारे बाजारों में भी कल एक्शन बढ़िया देखने को मिला, 22200 के नज़दीक जाकर दिन की ऊंचाइयों की तरफ हम बंद हुए, तो वो क्लोजिंग बेसिस पे, और खासतौर से दिग्गजों में तो कोई समस्या है नहीं, थोड़े बहुत मिड कैप स्मॉल कैप शेयर आजकल सुस्ती के मूड में, हल्की कमजोरी प्रॉफिट बुकिंग के मूड में है, और आज मुझे लगता है कि जो रेंज बड़ी बनी हुई है बाजार की उसी रेंज को आज भी बाजार रेस्पेक्ट करने की कोशिश करेगा, और वो है नीचे 22000 के नीचे जाने की जल्दबाजी है नहीं, ऊपर 22300 के पार करके ऊपर तेजी करने की भी बहुत हड़बड़ी में निफ्टी नजर नहीं आ रहा है। सो आई थिंक इसी रेंज के हिसाब से आपको ट्रेड करना है, और अब इस रेंज में आपके लिए जो आज अच्छे सपोर्ट के तौर पर काम करेगा निफ्टी पर नीचे की तरफ, वो है 22075 से लेकर 22125 की रेंज। ये 50 पॉइंट की रेंज ऐसी है जिसमें आने पर आपको निफ्टी में एक बार खरीदारी करनी चाहिए, और ऊपरी स्तरों पर 22250 से लेकर 22300 की रेंज है, इस 50 पॉइंट की रेंज में आने पर आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। एक बार 22300 के पार निकल कर टिके तो फिर नए टेरिटरी में नई लाइफ हाई की तरफ हम बढ़ेंगे और फिर एक अलग लेवल की बात होगी, लेकिन फिलहाल लगता है जिस तरह के संकेत है इस रेंज को बाजार रेस्पेक्ट करने की कोशिश करेगा। अब आइए बैंक निफ्टी, थोड़ा सा मजबूत कम है या यूं कह सकते हैं कि कमजोर भी ज्यादा है, और 46000 की तरफ थोड़ी बढ़ने की कोशिश कर रहा है। आज के लिए तुरंत जो सपोर्ट होगा बैंक निफ्टी के लिए दीप, वो होगा 46175 से 46325 की रेंज, जो कल के लोज के आसपास है, यहां पर पहले सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, और ऊपरी स्तरों पर 46725 से 46900 की रेंज है जिसको पार करने में बैंक निफ्टी को आएगी मुश्किल। तो इन लेवल्स और इन रेंज पर आपको नजर रखनी है, मजबूत शुरुआत होने के बाद रेंज के ऊपरी सिरे पर पहुंचे वहां प्रॉफिट बुकिंग करके इंतजार कीजिए नीचे के लेवल पर, और अगर सुस्त शुरुआत और पहले कमजोरी की तरफ नीचे का लेवल मिले तो वहां पर खरीदारी कीजिए। सीमित दायरे के कारोबार में कॉन्ट्रा ट्रेड लेकर आपको छोटे मुनाफे के लिए इंडेक्स में आज ट्रेडिंग करने का मिलेगा मौका जी। तो सीमित दायरे के कारोबार में दोनों तरफ के मौके आ सकते हैं, रेंज को रिस्पेक्ट करना इंपॉर्टेंट लेवल्स आपके लिए रहेंगे। निफ्टी 22250 पिछले कुछ दिनों से क्रॉस नहीं कर पाया, देखते हैं आज कैसा एक्शन आएगा। 22250 22300 आपके लिए ऊपर की तरफ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल निकल कर आएंगे। बैंक निफ्टी की बात करें तो सपोर्ट रेंज यहाँ पर 46175 से 46325 की निकल कर आती है, और ऊपर की बात करें तो 46725 से 46900 की आते हुए दिखेगी। शुक्रिया अनिल जी ये सारी डिटेल्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। सर आइए खबरों के लिहाज से आज कहां पर एक्शन रह सकता है, ढेरों खबरें कल बाजार बंद होने के बाद आई हैं, साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स आज के बाजारों के लिए, दोनों के बारे में बात करते हैं नुपुर के साथ। नुपुर बताइए खबरें ट्रिगर्स कहां रहेगा एक्शन? बिल्कुल काफी सारे ट्रिगर्स और काफी सारी खबरें भी है कैश में, आज KSB के नतीजे आते हुए दिखेंगे तो यहां पर रहेगी नजर। पंजाब एंड सिंध बैंक बोर्ड बैठक में 2000 करोड़ रुपए तक जुटाने पर आज विचार होगा, तो इसके अनाउंसमेंट पर भी फोकस रहने वाला है। स्वान एनर्जी बोर्ड बैठक में QIP के इश्यू प्राइस पर कंपनी करेगी विचार। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर फोकस करना है, 22 करोड़ इक्विटी शेयर्स
साथ लिस्ट होने वाले QIB को इसे अलॉट किया गया था। IPO के लिहाज से जूनिपर होटल्स का IPO की आज लिस्टिंग है। इशू प्राइस 360 रुपए का, इशू साइज देखे तो 1800 करोड़ की थी, एंटायरली फ्रेश इशू था और सब्सक्रिप्शन दो गुना भरते हुए ये IPO दिखा था। एक्सटेड फेम इंडस्ट्रीज में बोनस इशू का एडजस्टमेंट होगा 1:1 का। IPO में प्लेटिनियम इंडस्ट्रीज का दूसरा दिन कल ओपन हुआ था, टोटल देखे तो अब तक 8 गुना ये IPO बढ़ते हुए नजर आया। रिटेल में 10 गुना, NIA में 14 गुना, QIB में देखे तो 7% का सब्सक्रिप्शन अब तक आते हुए दिखा है। एक्सिकॉम टेली सिस्टम्स का भी IPO दूसरा दिन है इसका और अब तक देखे तो 10 गुना का सब्सक्रिप्शन आपको टोटल नजर आएगा। रिटेल में 27 गुना, NIA में 19 गुना, QIB में 73% का सब्सक्रिप्शन आते हुए दिखा है। कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक के आए नतीजे, हाल ही में लिस्ट हुई थी कंपनी, क्वार्टर थ्री की परफॉर्मेंस देखे तो सुस्त आपको नजर आएगी क्योंकि NIA में सिर्फ 1% की ग्रोथ है, हालांकि प्रोविजन घटकर आते हुए दिखे और मुनाफा देखे तो आपको 2% की ग्रोथ यहाँ पे दिखेगी, लेकिन एसेट क्वालिटी में दिक्कतें जो यहाँ पर बढ़कर आती हुई दिखे, ग्रॉस NPA और नेट NPA। खबरों के लिहाज से इम्पॉर्टेंट मीटिंग है आज NSE में, जो सब कमेटी मीटिंग है इक्विटी, वहाँ पे जो NSE के कई इंडिसीज के बदलावों को लेकर आज कमेटी फैसला लेने वाली है और उसके बाद अनाउंसमेंट आते हुए दिखेगा। साथ ही साथ निफ्टी के कई इंडेक्स के लिए स्टॉक सिलेक्शन का जो नया पैमाना है वो भी आते हुए नजर आया। पतंजलि फूड्स पर आज फोकस करके चलना है, कंपनी की तरफ से सफाई आती हुई दिखी है सुप्रीम कोर्ट के मामले पे, जहाँ पर उन्होंने कहा है कि पतंजलि फूड्स के लिस्टेड कारोबार से ये संबंधित नहीं है। लिस्टेड जो कंपनी है उसमें फूड और पाम ऑयल का कारोबार ही आता है, दवाइयों का कोई भी बिजनेस लिस्टेड कंपनी में नहीं है। तो पतंजलि फूड्स आज फोकस में आते हुए दिखेगा। वोडाफोन आइडिया बड़ी खबर है, यहाँ पे कंपनी की तरफ से बोर्ड से 20,000 करोड़ तक के फंड जुटाने को अब मिल चुकी है मंजूरी। इक्विटी और इक्विटी लिंक इंस्ट्रूमेंट के जरिए कंपनी फंड जुटाती हुई दिखेगी और साथ ही साथ एडिशनली इक्विटी और डेट के जरिए कुल 45,000 करोड़ रुपए जुटाने का विचार है, कंपनी का प्लान है, जो 2 अप्रैल 2024 को EGM में फंड जुटाने के लिए शेयर होल्डर से भी कंपनी मंजूरी लेती हुई आपको नजर आएगी। TVS मोटर्स जहाँ पे 11 मार्च को बोर्ड बैठक के अंतरिम डिविडेंड को लेकर यहाँ पे विचार होने वाला है। डिविडेंड का जो ऐलान है वो 19 मार्च की रिकॉर्ड डेट यहाँ पे तय की गई है। टाइटन कंपनी कैरेट लेन, हालांकि ऑलरेडी कंपनी की सब्सिडरी है, इसमें जो बचा हुआ 1.19 लाख शेयर्स थे वो भी अब कंपनी ने खरीद लिया और पूरी तरह से 100% कंपनी अब कैरेट लेन में ओन करती है। GE T&D इंडिया पर भी आज फोकस है क्योंकि पावर ग्रिड से कंपनी को 370 करोड़ का एक बड़ा ऑर्डर मिलते हुए दिखा है, तो पॉजिटिव न्यूज है कंपनी के लिए। कल हमने एक बड़ी ब्लॉक डील देखी थी CMS इंफो सिस्टम में, प्रमोटर 27% हिस्सा पूरी तरह से बेच के आउट हो चुके थे। अब बायर्स की लिस्ट देखें तो आपको बड़े नाम नजर आएंगे, जहां पे आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, नोमुरा फंड, ICICI पोटेंशियल म्यूचुअल फंड जैसे नाम आपको यहाँ पे दिखेंगे। 370 के भाव पे ये डील कल हुई थी। ICICI लोम्बार्ड, यहाँ पे बायर जो ICICI बैंक करीबन 1.5% हिस्सेदारी जो है वो खरीदते हुए नजर आए थे और सेलर में आपको भारतीय एंटरप्राइजेस, मिराया एसेट जैसे नाम दिखेंगे, तो आज फिर से ICICI लोम्बार्ड फोकस में आते हुए नजर आएगा। BSE में भी कल बड़ा मूव देखने को मिला था, जहाँ पे एक मार्शल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी फंड ने करीबन 50,000 शेयर्स यहाँ पे बेचे और सोसाइटी जनरल यही शेयर्स खरीदते हुए नजर आए, तो BSE फोकस में है। और सेनको गोल्ड में लगातार पिछले कुछ दिनों से हमने रैली बनती हुई नजर आई है और यहाँ पे पता चला कि सेफ पार्टनर से करीबन 6 लाख शेयर्स बेचे हैं कल के दिन, तो सेनको गोल्ड फिर से आज फोकस में दिखेगा। डेरो स्टॉक्स पर कल बड़ा एक्शन हुआ है, फंड्स का एक्शन लगातार है, खबरों के दम पर भी आज कई सारे स्टॉक्स आपको एक्शन में दिखेंगे। शुक्रिया नुपुर ये सारी डिटेल्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। आइए बाजार में भी कुछ बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज लिए जाएं। मोतीलाल ओसवाल से शिवांगी सारदा हमारे साथ इस समय शो पर जुड़ रही है। शिवांगी गुड मॉर्निंग, बताएं आपके आज के टॉप ट्रेड्स कौन से रहेंगे? गुड मॉर्निंग दीप, तो आज हम देखे कि बाजार में फुल एक्शन हुआ हुआ है, मार्केट का सपोर्टिंग यू नो एट एनी स्मॉल डिक्लाइन हम देखें कि बुल्स का पूरा एक एक्शन मजबूत देखने को मिल रहा है। ऐसे में सपोर्ट पे ऐसे में सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन काफी अच्छा है। पहला जो रहेगा मेरा वो है ऑटो स्पेस, में से काफी अच्छे रोल ओवर्स हुए हैं यहाँ अक्रॉस द बोर्ड, और पसंदीदा काउंटर है मेरा टाटा मोटर्स। वीकली बेसिस पे एक छोटे नैरो रेंज से कंसोलिडेशन ब्रेकआउट किया है स्टॉक ने और कंटिन्यूसली हायर टॉप हायर बॉटम्स बन रहे हैं शॉर्टर टाइम फ्रेम में भी, एंड हम देख रहे हैं कि ये जैसा पूरे ऑर्डर स्पेस में काफी रेजिलिएंट है पूरे सेक्टर अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। 1000 के टारगेट बनते हुए दिख रहे हैं 945 के एक स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा पिक मेरा रहेगा वोल्टास पे। सीजनैलिटी वाइज हम देख रहे हैं कि ये स्टॉक जो है मार्च के महीने में काफी अच्छा आउट परफॉर्म करता है
और अपने एक सीरियस हर्डल को भी सरपास किया है ऑन द डेली फ्रेम। वीकली बेसिस पे भी हम देख रहे हैं कि एक अच्छा सपोर्ट लेके स्टॉक ने वहाँ होल्ड करके फिर अब जो है अपने स्टार्ट किया है फॉर द नेक्स्ट लेग ऑफ रैली। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 1160 के टारगेट बनते हुए दिख रहे हैं 1095 के स्टॉक के साथ। ओके, तो टाटा मोटर्स और वोल्टास दोनों टाटा ग्रुप कंपनीज पर आपको रखनी है नजर। आज ट्रेड के लिहाज से दोनों में अच्छा एक्शन आपको आते हुए दिख सकता है। शुक्रिया शिवांगी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी कॉल्स शेयर करने के लिए। गिफ्ट निफ्टी 30 अंकों की बढ़त आपको दिखा रहा है, 22,250 के करीब यहाँ पर कारोबार हो रहा है। एशिया के बाजारों में हम देख रहे हैं जापान में आज नरमी है, चीन और हांगकांग के बाजार भी थोड़ी देर पहले खुले हैं वहां पर भी हल्की नरमी है, कोरिया भी आपके लिए थोड़ा पॉजिटिव टेरिटरी में, बाकी एशिया आपके लिए नरमी इस समय दिखा रहा है। अमेरिकी फ्यूचर्स में भी कुछ ज्यादा खास एक्शन नहीं है। बट कमोडिटी बाजार की कैसी है चाल और आज कहां पर रखनी है आपको नजर, आइए पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन के से बात करते हैं। मनोज मॉर्निंग, पहले तो जरा गोल्ड पर अपनी राय दें। वैसे हम देख रहे हैं डॉलर में नरमी छाई हुई है, गोल्ड भी एक रेंज में ही रहा है, आज के लिए गोल्ड पर आपका क्या व्यू बनता है? गुड मॉर्निंग दीपांशु जी, बिल्कुल यहाँ एक बहुत ही सीमित दायरे का कारोबार है और जिस तरह से यहाँ पे यूएस जीडीपी के डेटा लाइंड अप है ये वीक में, तो वहां से कुछ क्लूज जो है यूएस फेड के रेट कट को लेकर के आते हुए नजर आएंगे, लेकिन ट्रेंड ओवरऑल यहाँ पॉजिटिव बना हुआ है। तो गोल्ड में आज यहाँ 62,200 के स्तर पर बाय करके चलना चाहिए एमसीएक्स अप्रैल वायदा में। एक स्टॉप लॉस जो रखना है 62,050 का रखना है, लक्ष्य ऊपर में 62,450 के रहेंगे। ओके, तो गोल्ड में खरीदारी की राय आ रही है। बेस मेटल्स में क्या पसंद है आपको? बेस मेटल्स में यहाँ पे कॉपर में एक दायरे का कारोबार है, लेकिन जिस तरह से चाइना की तरफ से रेट कट हुए थे तो ग्रेजुअल रिकवरी देखने को मिल रही है। कॉपर मार्च वायदा में 724 के स्तर पर बाय करके चलना चाहिए 721 के स्टॉप लॉस से, लक्ष्य यहाँ पे 730 के रहेंगे। ओके, तो यह है आपके लिए कॉपर और गोल्ड दोनों पर रखनी है आपको नजर, एक्शन में आ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी स्ट्रेटजीज और ट्रेडिंग आइडियाज शेयर करने के लिए। आइए आज ब्रोकरेजेस की कहां पर नहीं नजर, कौन से स्टॉक्स पर आई दमदार रिपोर्ट्स, जानते हैं एफआईआर में। नूपुर बताइए आज कौन सी रिपोर्ट्स हैं आपके पास? वेदांता पर फोकस करना है क्योंकि सीएलएसए की तरफ से आ चुका है यहाँ पे अपग्रेड, पहले सेल की रेटिंग थी उसे रिड्यूस कर दिया और टारगेट देखे 230 से बढ़ा के 260 रुपए किया, तो वेदांता आज फोकस में रहेगा। जोमेटो पे भी रखेगा नजर, मैक्वेरी की तरफ से टारगेट यहाँ पे बढ़ाते हुए दिखे, हालांकि मौजूदा भाव से आपको कम ही दिखेगा, 76 रुपीज का टारगेट था 96 रुपीज किया है, मौजूदा भाव 160 रुपए के आसपास का है। बोस्टिन की भी जोमेटो पे रिपोर्ट है, आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग को मेंटेन किया है और लक्ष्य 180 रुपए का दिया है। ऑटो लगातार फोकस में, फिर से आज फोकस में आते हुए दिखेगी क्योंकि गोल्डमैन की तरफ से आई है यहाँ पे रिपोर्ट, टाटा मोटर्स पर लक्ष्य बढ़ा दिया है 960 रुपए से बढ़ा के 1020 रुपए कर दिया है। एमएनएम भी देखे तो आपको 1950 रुपए से बढ़ा के नया जो लक्ष्य दिया है गोल्डमैन ने वो है 2060 रुपए का। मारुति सुजुकी पे भी देखे तो 10,700 रुपए से बढ़ा के आप नया लक्ष्य दिया है 11,200 रुपए का। आशा मोटर्स पे भी 4,700 से बढ़ा के 4,070 रुपए का नया लक्ष्य यहाँ पे देते हुए देखे। गोल्डमैन बजाज ऑटो पे देखे तो 7,740 से बढ़ा के 8,780 रुपए किया है और टीवीएस मोटर का भी बढ़ा है लक्ष्य 2180 से बढ़ा के 2220 रुपए किया है। तो आज फिर से ऑटो कंपनीज फोकस में आती हुई दिखेगी। बिल्कुल, तो ऑटो कंपनीज पर तो रखिए नजर, कल भी हमने देखा था जबरदस्त एक्शन इस स्पेस में बन रहा था। इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में बस इतना ही।